कंटिन्यू करते हैं इसको, हम लेक्चर टू समझते हैं। लेक्चर टू आगे कंटिन्यू करते हैं। HCF एंड LCM factorization, factorization a number, number into its prime number. इसको कुछ हम एग्जांपल के साथ समझते हैं। एग्जांपल फैक्टराइज इसके दो मेथड है। इसका हम दो तरीके से सॉल्व करेंगे, वर्टिकल मेथड फर्स्ट मेथड, वर्टिकल अरेंजमेंट्स, देन सेकंड मेथड horizontal arrangement. पहले वर्टिकल देखते हैं, factorize करने को बताया तो इस मैप में हम लिखेंगे 24, so ये 2 12 2 6 2 3 and 3 1 उसके फैक्टर्स क्या हो जाएंगे, फैक्टर फैक्टर्स ऑफ 24 हो जाएंगे 2 × 2 × 2 × 3। सेम वे अगर हॉरिजॉन्टल मेथड हमको देखना है तो 24 को हम लिख सकते हैं 2 × 12। इसको और अगर हमको फैक्टराइज करना तो 2 × 2, इसको फैक्टराइज करेंगे 2 × 6, 2 × 2 × 2, इसको फैक्टराइज करेंगे 2 × 3, आंसर्स हमारे दोनों सेम आएंगे। तो ये होते हैं फैक्टर्स। कुछ और फैक्टर्स हम देख लेते हैं, एग्जाम्पल 2 factorize into prime, factorize into prime 117, prime number 117। तो इसको हम पहले मेथड देखेंगे वर्टिकल, थ्री इज द 9 2 7, 3 × 27, देन 3 1 3, 3 × 9, 13 1 13। इसके फैक्टर्स हो जाएंगे 117 के 3 × 3 × 13। सेम वे इसको हॉरिजॉन्टल देखेंगे, हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट, तो ये हो जाएगा अपना 117। इसको हम लिख सकते हैं 9 × 13 सर, या फिर अगर हमको हम यार अगर 13 9 सर 170। इसको हम फैक्टराइज नहीं कर सकते हैं, इसको हम कर सकते हैं 3 × 3, तो आंसर हमारा सेम आ गया। इसको हम रीअरेंज करके लिख सकते हैं 117 3 × 3 × 13।
करेक्ट। एक और एग्जांपल देखते हैं जो बुक में दिया हुआ है, फैक्टोराइज 250। वर्टिकल मेथड, वर्टिकल अरेंजमेंट, सेकंड देखेंगे सैंपल अरेंजमेंट, पहले वर्टिकल देख लेते हैं 250। इसको पूर के टेबल से करेंगे 2 × 125, देन 5 × 2 = 10, 2 × 5 = 20, 5 × 5 = 5, 1 = 250 के फैक्टर्स हो गए यहाँ पे 2 × 5 × 5 × 5। सेम वे अगर हम इसको हॉरिजॉन्टल मेथड से करेंगे तो 250 वो करेंगे 2 × 125, इसको और फैक्टराइज करेंगे तो 2 × 5 × 25, इसको और फैक्टराइज करेंगे 2 × 5 × 5 × 5, ये हमारा हो जाएगा फैक्टराइजेशन, 250 का फैक्टराइजेशन। तो आपको फैक्टराइजेशन कैसे करना है, दो मेथड जो बुक में दिए हुए हैं वो इस तरीके से करने हैं। कुछ प्रॉब्लम सेट देख लेते हैं, प्रॉब्लम सेट, प्रॉब्लम सेट 11। इसको क्वेश्चन नंबर 1, factorize the following, factorize the following into primes, तो first है 32, को दो मेथड से करेंगे, मेथड 1 वर्टिकल, मेथड 2 हॉरिजॉन्टल। वर्टिकल में पहले कर लेते हैं इसको 32, 2 16s, 2 8s, 2 4s, 2 2s, 2 1s, सो हाउ मेनी नंबर्स, 32 फैक्टर्स हो जाएंगे 2 × 2 × 2 × 2 × 2। सेम वे अगर हॉरिजॉन्टल मेथड में जाएंगे 32 को लिख सकते हैं 2 × 16, इसको और फैक्टराइज करेंगे 2 × 2 × 8, इसको और फैक्टराइज करेंगे 2 × 2 एज इट इज लिख देंगे 2 × 4, इसको और फैक्टराइज करेंगे 2 × 2 × 2 × 2, फैक्टराइज और करेंगे 2 × 2, तो 32 का यहाँ पे फैक्टर निकल जाएगा। सेकंड एग्जांपल देखते हैं, फैक्टराइज 57, 57 को अगर करना है तो वर्टिकल मेथड में, वर्टिकल मेथड में 57 7 5 12 3 टेबल में आएंगे, तो 3 1s are 3 9s are 19 इज अ प्राइम नंबर, तो इसका फैक्टर हो जाएंगे 3 × 9, सो 57 तो अगर फैक्टर करना 3 × 19 आगे फैक्टर नहीं होगा, तो
Number 3 is 23, 23 ka factor 23 p hoga, 23 is the prime number, iska factor yadi nahi hoga to kuch nahi hoga. Question number 4, 150 ko vertical mein dekh lete hain. 150 2 7s are 14. फिफ्थ क्वेश्चन है 216, इसको भी देख लेते हैं. 216 6 के फैक्टर हो जाएंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3. सेम अगर हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स से देखेंगे तो 216 का हम लिख सकते हैं 2 इंटू 108 2 इंटू, इसको और करेंगे तो 2 इंटू 54 2 इंटू 2, इसको और करेंगे तो 2 इंटू 27 2 इंटू 2 इंटू 2 into this parameter 3 into 9 2 into 2 into 2 into 3 this factor is going to 3 into 3 so 216 ke factor is going to 3 times 3 times 2 into 3 into 2 into 3 into 3 into 3 ठीक है. Sixth question dekha tha 208, इसको आप होमवर्क ले लीजिए. 1765, इसको आप होमवर्क ले लीजिए. So 13 1s are 2 and 3s are 13 3s are 13 2s are 13 29s are 29 1s are so 377 ke factor so jamie 13 to 29 same हॉरिजॉन्टली अगर आपको लिखना है तो 13 इंटू 29 देन 10th नंबर हो जाएगा 599. इसको अगर हम देखते हैं हॉरिजॉन्टल मेथड में 559
ठीक है, आगे देखते हैं जी सी डी और भी एच सी एफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, इसको हम समझने के लिए आगे कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स कैसे निकालते हैं। तो एग्जांपल वन पकड़ते हैं, find the HCF of 24 and 32. इसको आपको लिखना 24, आप किसी भी मेथड से निकाल सकते हैं, 12 6 यहाँ पे कॉमन आपको देखेंगे, कॉमन इज 2 2 2 2, तो आपके हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो जाएंगे 2 2 2 2 8। कुछ और एग्जांपल से समझते हैं आगे। CF of 195312546, इसका एक एक करके फैक्टर निकाल लेंगे 195। इसको हम लिख सकते हैं, अगर आपको वर्टिकल मेथड से करना हो तो 195 ये हो जाएगा 5 3 माइनस देन 3 1 3 देन 13 1। तो 195 के फैक्टर्स हो जाएंगे 5 3 13। देन सेकेंड निकाल लीजिए 3 1 2 3 1 2 के फैक्टर्स हो जाएंगे 2 2 2 2 3 13 हो जाएंगे 5 4 6 5 4 6। इसका अगर निकालेंगे 2 2 4 7 3 then 3 10 12 3 9 1 then 7
6 का फैक्टर हो जाएंगे 2 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 13। तो इसमें से जो कॉमन हम निकालेंगे 3 3 3 13 13 13, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो जाएगा इसमें 3 इंटू 13, तो ये हो जाएगा आपका 13। ये एग्जांपल के हिसाब से एग्जांपल नंबर 3 छोटा सा एग्जांपल इसके भी देख लेते हैं। सिक्सटी का फैक्टर निकाल लेंगे हम 36 के फैक्टर्स करेंगे 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। तो इसमें कॉमन क्या है, कॉमन है आपका 2 इंटू 2। तो HCF ऑफ 60 12 36 इज 2 इंटू 2 इंटू 3, ये तो कहेगा 4 3 12। तो इससे हमको क्या समझ में आता है, अगर कोई भी डिवाइजर जैसा HCF निकाल रहे हैं हम इसका, तो 12 के टेबल में ये भी आता है, 12 के टेबल में ये भी आता है, तो इस कंडीशन में हमेशा HCF वो गिवन नंबर हो जाएगा। 12 है ठीक है, तो 12 5 12 36 का ये हो जाएगा। अदरवाइज इतना दिमाग नहीं लगाना है, हम फैक्टर निकाल लेंगे, उसमें से कॉमन निकाल लेंगे जो कि हाईएस्ट मिलेगा, उसको हम कंप्लीट करके HCF फाइंड आउट कर लेंगे। ओके ठीक है, एक और मेथड होता है HCF निकालने का, ये जो मेथड है इसको हम बाय फैक्टराइजेशन लेते हैं। सेकंड मेथड है फाइंड HCF बाय डिवीजन मेथड। डिवीजन मेथड ये भी आसान है, आपको कुछ एग्जांपल्स में बताता हूँ। बुक में एक एग्जांपल दिया हुआ, पहले इसको देखते हैं। HCF ऑफ 144 एंड 252। तो इस केस में हमको कैसा करना है, जो भी बड़ा नंबर उसको ऊपर लिख जाएंगे, डिवीजन मेथड करना है। तो 252 डिवाइड बाय 144, इसको अगर वन टाइम्स करेंगे हम, तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ 152 डिवाइड बाय 144। तो अगर हमने इसको 144 वंजा किया तो ये आपको माइनस करके आएगा 801। ठीक है, अब हमारे पास दो नंबर बच गए 144 और 108। तो सेकेंड हम क्या डिवाइड करेंगे, स्टेप टू
स्टेप वन, स्टेप टू करेंगे हम अभी, ये दो नंबर को करेंगे। 108 रिमाइंडर आया, 108 144, तो ये आपका हो जाएगा 108, इसको माइनस करेंगे तो 630। अभी आपका ऐसे रिमाइंडर ही आया, तो स्टेप थ्री करेंगे, स्टेप थ्री करेंगे 36 डिवाइड बाय 108, तो 36 डिवाइड बाय 108 तो 36 3 है, 3108। तो आपके आपका HCF यहाँ पे निकले हुआ, जो भी लास्ट में रिमाइंडर जीरो बना रहा है तो वो बचेगा 36। दूसरा भी करेंगे तो आपको और अच्छे समझ में आएगा। दूसरा एग्जांपल लेने से बेटर हम आपको प्रॉब्लम सेट देते हैं, उस पर काफ़ी ज़्यादा हैं तो आपको समझ में आ जाएगा। प्रॉब्लम सेट यहाँ पे HCF फाइंड करने को बोला हुआ है नॉर्मल, तो इसमें 5 क्वेश्चन हम करेंगे, 5 आप होमवर्क ले लीजिएगा, देन आपको डिवीजन मेथड के बाकी क्वेश्चन बताएंगे। फाइंड HCF ऑफ फॉलोइंग, नंबर 1 25 and 40, तो इसके फैक्टर्स आप निकाल लेंगे 25 5 5 5 1 5, के फैक्टर्स हो जाएंगे 5 5 5, देन उसी तरीके से 40 का हम निकाल लेंगे, जो कॉमन निकलेगा ये दोनों में से 40 का आगे फैक्टर 2 into 2 into 2 into 5, तो HCF हमारा हो जाएगा यहाँ पे 1.5। सेकंड एग्जांपल देख लेते हैं, का पहला फैक्टर निकाल लेते हैं 2 2 4 2 1 4 2 1 4 2 1 4 2 1 4 2 1 4 2 1 4 2 1 4 2 1 4 2 1 4 2 1 4 2 1 4 2 1 4 2 1 4 2 1 4 2 1 4 2 1 4 2 1 4 2 1 4 2 1 4 2 1 4 2 1 4 2 1 4 2 1 4 2 1 4 2 1 4 2 1 4 2 1 4 2 1 4 2 1 4 2 1 4 2 1 4 2 1 4 2 1 4 2 1 4 2 1 4 2 1 4 2 1 4 2 1 4 2 1 4 2 1 4 2 1 4 2 1 4 2 1 4 2 1 4 2 1 4 2 1 4 2 1 4 2 1 4 2 1 4 2 1 4 2 1 4 2 1 4 2 1 4 2 1 4 2 1 4 2 1 4 2 1 4 2 1 4 2 1 4 2 1 4 2 1 4 2 1 4 2 1 4
2 into 2 into 7. अभी तो के फैक्टर से जाएंगे आपके 2 16 2 8 2 4 1 2 2 1 2 2 1 2 1 तो ये तो अभी के फैक्टर से जाएंगे 2 into 2 into 2 into 2 into 2. अभी तो के फैक्टर से आ लेते हैं 2 into 2 into 2 into 2 into 2. कॉमन निकालेंगे हम यहाँ से 3 3. तो इसके जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होंगे वो हो जाएंगे 2 into 2 into 2 into 4 into 8. यहाँ का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो जाएगा 3.
50, 60, then 75. 40, 20, 10, 5, 1, 1. Then 40 can be done. 2 into 2 into 2 into 5. Then 60. 60 can be 2 into 2 into 3 into 5. Then 75, 3, 2 just 6, 5, 3, 5, 5, 75 को हो जाएंगे 3 into 5 into 5. तो common क्या निकल रहा है 3 5 3 5. HCF आपका हो जाएगा यहाँ पे 10. Fourth question. Fourth question is 16, 27. 16 के फैक्टर निकाल लेंगे 2 2 2 2 2 2 1 0. 16 के फैक्टर हो जाएंगे 2 into 2 into 2 into 2. दैन आप 27 का यहाँ निकाल लीजिए 3 9 0 3. 32 48. इसको वापस से निकाल लीजिए 18 2 9 3 3 3 1 0. तो 18 के फैक्टर्स हो जाएंगे 2 into 3 into 3.
question number 2. On HCF by division method. Division method. First question 275 by 525. 0, 5, 2, 2, 5. This is step 1. Step 2 करेंगे हम 275 then 250 1 sub 250. इसको हम माइनस करेंगे 5, 2, 0. Step 3. Question 76 by 133. Let's go put in here. So, your step 1. Step 3. Question 3. 161 Let's go over that parallel. So, the upper 161, 169, 2, 7, 138, 11, 3, 2, 0. Step 1. Step 2. 23, 69. आगे के जो भी है वो हम नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट क्लास में देखेंगे. इसमें सिंपलेस्ट फॉर्म भी पूछा हुआ है तो आपको बताना रहेगा. सिंपलेस्ट फॉर्म में रहेगा HCF 275 by 5.
5.5, ये आपका हो जाएगा 25 इंटू 11 सिंप्लीफाई करके आएगा 11/21, ये आपका होगा 75.5. यहाँ पे आया है आएगा सिंपलेस्ट फॉर्म, ये हो जाएगा आपका 76/133, इसको आप 19 × 4, ये 19 × 7, इसका सिंपलेस्ट फॉर्म होगा 4/7, 76/133, यहाँ का सिंपलेस्ट फॉर्म जो आएगा वो आएगा 161/69, HCF into 7/23 into 3, ये आपका हो जाएगा आंसर 7/3, 161/16. इसके आगे के टॉपिक्स हम पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर.